यहाँ तक ही तो जाना है सामने गाड़ी तक, तो आप जाओ फिर। तो उसने भी मम्मी को साथ लेके जा रहा है, मम्मी से बात कर लूंगा। अच्छा देखा आपका दिमाग कितना डरपोक है। नहीं है, नहीं है डरपोक। गच्चक लेके आना साथ में, ले आना नहीं तो मैं गाड़ी लेके चला जाऊंगा। ओ भाई अब इसको सोडा पीना, ये रसम मेरे यहाँ आती मैं तो भाग जाती। ये धाम रेडी हो रही है। मेरे व्लॉग में देखा था ना तेल वाली रसम हुई थी, ये देखो ये नकली रसम कर रहा है। तेल का है खाली। नेहा पहले तेरा रूम तो वहाँ होता था ना? नहीं नहीं, सारी पैसे वहाँ होते थे मैंने देखे। जीजा जी आप किसमें होता था चवन ब्रश? मेरे नाना भी चुपा के रखते थे चवन ब्रश। So welcome back to our channel. आज हम जा रहे हैं एक पहाड़ी शादी अटेंड करने। हम आज जा रहे हैं हिमाचल, कल वापस आ जाएंगे मॉर्निंग में, तो बहुत शॉर्ट टाइम होगा। जितनी भी रस्में हम कैप्चर कर पाए वो आपको जरूर दिखाएंगे। आज रेस्टी फुल तैयार शहर होके जा रहा है क्योंकि वो जा रहा है अपने ससुर के ससुराल। ये हमारी शादी के बाद पहली शादी पे जा रहे हैं हम लोग, नेहा के मामा के लड़के की शादी। बट शादी वाले दिन हम होंगे नहीं, हम एक दिन पहले जो संगीत रस्म है थोड़ी सी देख के आ जाएंगे क्योंकि हमें मुंबई निकलना है। हमें मुंबई निकलना है आफ्टर सो लॉन्ग। पर बाय द वे क्योंकि रेसी अपने ससुर जी के ससुराल जा रहा है तो फुल तैयार शहर होके आया, कुर्ता पजामा पाके। और ये मेरी सासू माँ ने दिया है मुझे। ओह माय गॉड, सासू माँ ने दिया है। जीते रहो फूलो फलो। मैं नहाई धोई नहीं हूँ, शर्म नहीं आती तुझे? मैं ऐसे ही जा रही हूँ, मैंने वहीं जाके रेडी होना है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अब गुस्से में रेडी नहीं हुई। मगर क्यों? मैंने इस लड़के को बोला हम सुबह 9 बजे निकलेंगे, 9 बजे निकलते निकलते इसने बजा दिए 12। मैंने वहाँ जाके रेडी होना था, अब मैंने भी जिद फड़ लिया, मैं वहीं जाके रेडी होंगी चाहे जितना भी टाइम लग जाए। अब मुझे जल्दी पहुँचाओ मुझे। ब्लॉग के चक्कर में ऊपर जाना था नीचे आगे। कोई बात नहीं, कौन सी जगह जा रहे हैं हम? हमीरपुर जा रहे हैं। फुल चलाखड़ुओं के देश जा रहे हैं। तुझे पता चलाखड़ू क्या होते हैं? ग्रीन टैक्स की तैयारी करते हुए, कितना ग्रीन टैक्स होता है? 50 रुपए। 50 रुपए ग्रीन टैक्स। और हम पहुंच गए बॉर्डर पे। देवभूमि हिमाचल में आपका हार्दिक स्वागत है, शुक्रिया। खाने को कुछ दिख जाए। सेकंड में नहाई नहीं हूँ, शेड्स पहना हूँ। तो भी शक्ल तो वही रहेगी आपकी। जाओ ले आओ जल्दी से, अब इसको मूंगफली खानी है। हाँ तो रास्ते में मजे से खाते हुए पीते जाएंगे। पैसा दो पैसा, पंडित जी ने कहा था तुम्हारा पैसा भी हमारा पैसा है। हाँ, जल्दी निकालो, लूट लो मेरे को, जल्दी पैसा दो। ये लो, थैंक यू। गच्चक लेके आना साथ में, ले आना नहीं तो मैं गाड़ी लेके चला जाऊंगा। ये बढ़िया था गुरु। खाना पीना शुरू हो गया, अब पूरे रास्ते कुछ मांगना मत। कुलचे खाएंगे और नहीं कुछ। ओ भाई अब इसको सोडा पीना है। तूने बोला तुझे पीना है। मत ले, चलो चलते हैं फिर। चले चलो चलो। क्या हुआ अब? तू अब अच्छा नहीं लगेगा ना, फिर तू मुझे बोलेगा मुझे कुछ खिलाया पिलाया नहीं और कुछ। ओहो, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, ये इतना सा भी देने की क्या जरूरत है? पहुँचने ही वाले हैं, बट कुछ ही शहरों में पहुँचने वाले हैं। अब मुझे सारा रास्ता पता है। जैसे आप नेविगेशन बंद कर दो, अब मुझे सारा रास्ता पता है। 1.5 किलोमीटर रह गया तो मेरे को सारा रास्ता पता है। मुझे पता है। तो क्या हो गया, मुझे यहीं से पता है जहाँ से बस उतारती थी। फिर हम यहाँ पहले पैदल जाते होते थे इस पूरे रास्ते पे, पहले यहाँ बसें जाती नहीं थी जब हम बहुत छोटे थे, फिर हम बड़े हो गए फिर बसें भी आ गई। अच्छा रेस्टो, ये हमारी बचपन की दुकान है, ये पिंक वाली, इससे हमने सारे यहाँ से चीजें खाई है। 1 रुपए की इमली खाते थे और गुरु चेला खाते थे। आधे घर से पैदल आते थे इस पिंक सी दुकान में 1 रुपए की इमली लेने, फिर ये अंकल आइसक्रीम भी जमाते थे फ्रिज में, वो 1-1 रुपए की देते थे ऑरेंज आइसक्रीम हमको। अब हम जाएंगे कच्चे रोड पे, खतरनाक रोड पे जाएंगे हम। हैवी ड्राइवर, क्या हुआ? क्या देखिए कैसे हंस रही है, ताड़का की तरह। बोल हेलो, जल्दी बोल।
गजब बेइज्जती है। ये देखो, हेलो अतुल, कैसा लग रहा है तुम्हारा रूम तुम्हें? अरे इधर आओ, गार्डन फेसिंग है। हाँ मैं वही देख, गार्डन व्यू है तुम्हारी विंडो का। बादाम का पेड़ यहाँ होता था? हाँ, जहाँ पे तुम बादाम खाती थी तोड़ तोड़ के। हाँ, अब नहीं है पेड़, क्योंकि तू आ गया ना इसलिए। कुछ भी बदतमीज, मुझे पता है फालतू के पंच मारेगा, मैं जा रही हूँ। वो बादाम का पेड़ नहीं था, तू कुछ और खाती थी, दिमाग तो तेज हुआ नहीं। तेरा तेज करती हूँ, आ जा। तो नहीं, पहले तेरा रूम तो वहाँ होता था ना? नहीं नहीं, सारी पैसे वहाँ होती थी, मैंने देखा। ये देखो सामने खेत है इनकी, ये किचन जिंदा थी, अब तो टूट गई, सारा खेत ही खेत है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें उगती हैं। कैसा लगा? हाँ, ऐसा पूरी शांति। 2 hours later हाँ, शाम करवा के नीचे आ गई है, इतनी धूप थी जितने जब तुम ऊपर गए थे, और अब देखो सब चले गए। हाँ, इधर कौन रहता है? वो सामने ऐसे क्यों लग रहे मेरे को? नहीं है, अरे वहाँ गाय है। अच्छा, मेरे को पहले तुम लगे, सॉरी। साले को बम से उड़ा दूंगा। ये पुरानी स्टोर रूम होता था और वो किचन हुआ करती थी पहले, अब न्यू किचन बन गई है ना। नीचे गांव है, बहुत बड़ा पिंड है नीचे, यहाँ वो देख बच्चों की आवाजें आ रही है ना, वहाँ से आ रहे हैं सारे। वो पिंड है, वहाँ पे कम से कम 8-9 घर है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हुए है। बहुत बड़ा पिंड है, बहुत बड़ा, और उसके नीचे नहर पार करके और पिंड है, मतलब वो सारा एक ही में काउंट होता है। यहाँ पे पहले भैंसे बनती थी, ये देख वो घास काटने वाली मशीन, अभी ताजी काट के रख दी है ना अभी से ही, फिर कुछ दिन में सूख जाएंगी, सर्दियों में दिक्कत होगी ना फिर लकड़ियों को चूल्हे के लिए। भाई मैं कैसी लग रही हूँ? मस्त, एक नंबर। अब ठंडा मौसम हो गया, रैसी ने तो कोट निकाल लिया है, हाथ में रख लिया है, मुझे भी कोट पहनना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड चलाकड़ू। अब जा रहे हैं शादी वाले घर, बस वहाँ से नीचे सही है, बस थक गई और मैं पहाड़ों की हूँ। बस देखो मेरे हाथों में अभी थोड़ी थोड़ी मेहंदी है। ओ माय गॉड, बुकिया तो इतना प्यार करता है मुझसे, लगता है आपके प्यार में गिर गई भाई। इतना सुकून। तो हम दोनों वैसे तो घर ऐसे है 2 कदम पर, फिर भी हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, किसी ने कुत्ते का खौफ डाल दिया है कि रास्ते में कोई कुत्ता है जो सबको काट रहा है, तो रैसी का तो हद खौफ है डॉग्स को लेकर। मेरे को डर था मैं नेहा को ना काट ले। झूठ बोल रहा है। रैली, अब हम जा रहे हैं समूतों के लिए। तो पहाड़ी में रस्में होती है समूत, मतलब सांद, मे बी सांद, आई एम नॉट श्योर, पर समूत मेरे भी होते हैं। जैसे मेरी वीडियो में आपने देखा होगा वेडिंग वाली में, कि सिर पे तेल डालते हैं, हल बटना लगाते हैं, मामा जी चूड़ा बनाते हैं, वैसे बॉयज का भी होता है। अब दिखाते हैं शादी घर वाले घर, पहुंच गए हम लोग। यस, दिस इज शादी वाला घर, गाड़ी लगा दो। और ये हम पहुंच गए शादी वाले घर में। ओ एंट्री। अच्छा ये नानू, अब इनको नचाएंगे हम अभी। नानू मजे मुझे कितना ज्यादा, नानू साडा बीमार। कैसे हो सर, यहाँ चुड़ैल लग रही है सर। आएगा मजा, दूसरी पार्टी आ गई है सामने से लड़ाई के लिए। नया कंपटीशन है नानू ने जाने के बाद, अब नई चीज क्या है? जोगी नहीं बनने देना, जोगी नहीं बनने देना, भिक्षा नहीं लेनी देनी इसको। अच्छा किसको? अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे को खुद नहीं पता आदि, मैं खुद यहाँ देख रही हूँ। इसको क्या कमरे में रखा है? ओ भिक्षाम नहीं, हम सब इसको भिक्षा देंगे। अच्छा, तो जोगी है, अगर वो भाग गया ना बच के, तो फिर वो शादी नहीं करेगा। अच्छा, भिक्षाम नहीं, वो तो फिर अच्छी किस्मत हुई तभी भाग सकता। जल्दी शादी की, ये नहीं भागने वाला। ये रस्म मेरे यहाँ आती, मैं तो भाग जाती। अबे भिक्षा फिक्स दे रहे हैं कि कैसे जीतना है हमें। अच्छा तुम्हें जीतना है? हाँ। कैसे जीतोगे? झोली छीन लेंगे। अच्छा, थर्ड राउंड नहीं, सेकंड राउंड, ज्यादा लास्ट राउंड, अब छीना चपटी होगी। जोगी तो हाथ से निकल गया, उसके कानों की बालियां जो बबरू से बनाई थी वो मिल गई। जो आई पाई ताम खाने चलो, ताम, आर यू एक्साइटेड फॉर धाम? मजा आता है ना। अरे धाम रेडी हो रही है,
बाकी खाने की डिशेस। कॉम्पिटिशन शुरू हो गया। अंदर से आवाज आई, लगा हाथ कम बना लगे नाक चूर, खाना बाद में लड़ाई पहले। इसकी लड़ाई हो रही है लड़के वालों की, मतलब लड़के के दाद का और नान के परिवार में। नान का परिवार अंदर बैठा, दाद का बाहर बैठे। रसम करने जा रहा है, वो देख रहा है सिर पे तेल को ऐसे करना है और पैसे रखने था। मेरे व्लॉग में देखा था ना तेल वाली रस्म हुई थी, ये देखो ये नकली रस्म कर रहा है। तेल क्या है, खाली स्क्रिप्ट ही ऐसी लिखी गई है। अच्छा भाई ये क्या है, स्पेशल ऑर्डर्स पे हमें नीचे बुलाया जा रहा है चोरी चुपके। कह रही जल्दी चलो जल्दी चलो, नीचे नान बन रहे। पहले वहां से ऐसे बुलाया जैसे पता नहीं क्या हो गया, आधे रास्ते में आके बता रही है नीचे नान बन रहे आलू वाले, जल्दी चलो। वाह यहाँ पे खाने का इंतजाम अलग है भाई, तंदूर तपरा है, नान बन रहे है, ये देखो आलू वाले नान दे दो। गर्मा गर्म पराठे आ गए हैं, देसी घी और छुड़ा इसको, छुड़ा इसको। वाह क्या हिंदी बोलती है, छुड़ा इसको कहती। म्यूजिक का प्रोग्राम शुरू हो चुका है और ये वीडियो कैमरा ऑन होते ही नाचना शुरू कर दिया है। नेहा तुम तो अच्छी मेहंदी लगा लेती हो। थैंक यू। बॉम्बे में स्टॉल लगवा दे तेरी। जब मैं छोटी थी ना तो मैं मतलब चंडीगढ़ रहती थी तो मैं 50 रुपए लेती थी एक हाथ लगाने के बाद। मैंने बहुत साइन किया इसको। अच्छा अब मैं कर रहा हूँ तो एक ही डिजाइन आता है। रंगोली भी नेहा ने यही बनाई थी वही बोल रहे हो। चेक कर लो व्लॉग, मतलब इससे गंदी थी बट ये डिजाइन यही था। रंगोली ऑलमोस्ट सेम ही, मतलब कुछ भी अच्छी बन गई नेहा। थैंक यू, जैसे मैंने सिखाया था वैसे बनाई। इनकी वाइफ का नाम भी, मतलब होने वाली वाइफ का नाम भी नेहा है। ₹10 तूने सच में पैसे लेके शुरू कर दिए बग्गे। हाँ तो मजाक किया, एक तो साला होना ही चाहिए। जब भी मेरे साथ आता है बेचारा पिस जाता है, मैं दिखाती हूँ उसकी हालत। काफी सारा डांस करने के बाद मैं और ऐसी वापस निकल रहे हैं, हमने सुबह निकलना है घर के लिए, हमने मुंबई जाना है, मुंबई जाना है, मुंबई जाना है, फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग मुंबई जाना है। और ये देखो खुफिया रास्तों से हम जा रहे हैं। और एसटी भाई ये सुनसान में हम दो ही पटरेंगे, कैसा लग रहा है भाई? ओ भाई साहब क्या लग रहा है ये तो किसी घर वालों को बुलाओ भाई, ये तो दे रहा है पूरा, वापस मुड़ो घर। ओ भाई साहब खतरनाक लग रहा है अंधेरे में, ये लाइट ऑन करो। खतरनाक लग रहा है, अभी गाड़ी बंद करके नीचे उतर के जाना है। लाइट भी बंद हो जाएगी सारी, चला किसी को लेके आते। मैं तो चल जाऊंगी, मुझे डर नहीं लगता इतना। चलो फिर आप जाओ, मैं जाता हूँ, अकेला नहीं जाऊंगी। लेकिन अब हमें यहाँ इस रास्ते से जाना है, एक मिनट, ये रास्ता है भी कि नहीं? है, 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 रास्ता है, है, ट्रस्ट मी ये रास्ता है। शर्म ना आ रही कहते हो ये रास्ता है? ऐसा नहीं लग रहा, जंगल में उतर रहे हैं हम लोग, स्किट कर रही है। चल चल पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे, बस लो रख ब्रेक के मार के, बस टर्न कर दे, पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए। यहाँ हॉरर म्यूजिक लगा दो एक। घर के आंगन में पहुंच गए, अब तो कोई डर नहीं है ना रेसी? वैसे तो कोई चक्कर नहीं है। हाँ। एक बार कमरे में पहुंच गए। गाड़ी लेके कमरे में पहुंचेगा, ऊपर चढ़ा दूंगा, कुत्ता है मैं डर गया। ओ भाई देखियो कहाँ खड़ा है ये, मैं तो बोलता हूँ वेट कर लेते हैं सबकी। तब मैं तुझे ऊपर बोल रही थी ना रुक जा मत जा, मेरे को लगा सारे डैडी पहले बोलते साथ में जाना है। रेसी पूरा शेर बन के आ गया, कह रहा चल 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 हमने सुबह जल्दी जाना घर चलते हैं। अरे मुझे थोड़ा पता था अकेले ही आ जाएंगे हम। अब गाड़ी वापस बैग ले रहे हैं, कह रहा वापस चल सबके साथ आएंगे, हम नहीं आ रहे अकेले। अब मेरे को लगता है स्पीड से निकालनी पड़ेगी। चलो चढ़ा दो फिर, और चढ़ा दे चढ़ा दे चढ़ा दे चढ़ा दे चढ़ा दे चढ़ा दे चढ़ा दे, चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई। ओ भाई साहब ये हमारी फिर से लास्ट ट्राई हो रही है इस रास्ते पे चढ़ने के लिए, हालांकि चढ़ाई इतनी है नहीं पर ना घास बहुत ज्यादा है और ओस। क्या हुआ?
नीचे जा रही थी इसकी टोगी। फाइनली हम दूसरे रास्ते से एक जंग जीत के आए हैं दोनों जने, गाड़ी को लेकर आए ऊपर बहुत मुश्किल से। किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप जाके नाचने लगे। बहुत तेज हो रहा है। अगर मैंने सबको बता दिया ना कि रस्ती को डर लग रहा था, वो ऐसे बोले प्रोणे हो आप डर गए, जीजा जी आप डर गए, वो सामने घर आ गए। 15 मिनट्स लेटर रेस्टी अपने मम्मी पापा को लेके आया घर पे। मैंने कहा अकेले नहीं छोड़ना इनको। चल झूठा रेस्टी डर रहा था मम्मी कुत्ते से। यहाँ तक ही तो जाना है सामने गाड़ी तक, तो आप जाओ फिर। तो उसमें भी मम्मी को साथ लेके जा रहा है, मम्मी से बात कर लूंगा। अच्छा देखा आपका दिमाग कितना डरपोक है। नहीं यार नहीं यार डरपोक। डैडी तो हमेशा रैसी की साइड लेते, गलत को भी सही करार कर देंगे। ओस देखो कितनी है, ये छोटी सी बाइक है बच्चे की, उसकी बाइक पूरी भीग चुकी है इस टाइम। मेरी नानी का कमरा है सालों पुराना। इसकी ये वाली अलमारी बचपन की याद है, और ये वाली अलमारी भाई, ये वाली अलमारी का खोलने का जुगाड़ हमारे पास था। इसमें होता था च्यवनप्राश। मेरे नाना भी चुपा के रखते थे च्यवनप्राश, मतलब रात रात को ये सोचते थे कि सुबह च्यवनप्राश चुराएंगे कैसे। आज भी इसमें देसी घी, च्यवनप्राश और ऐसी चीजें मिलेंगी। देख ये चूल्हे की आग से की जा रही है। हेलो गुड मॉर्निंग रेस्टी, क्या करने आए हैं यहाँ पे? काट देंगे इसका सिर। नहीं इतनी ज्यादा ओस है, ओ भाई साहब ऐसे लग रहा है बारिश हुई पड़ी है। पपीते लगे हुए हैं, ये प्याज है, ये हल्दी है। बीटू दी मेरे को सुबह सुबह और बता रही है। अरे हाँ रेस्टी, एक दिन मैं इधर अंदर सो रही थी, बाहर वो सीढ़ियों पे बाघ बैठा था, वो चीता। तो नेहा तुम रात को ऐसे ही इतना टाइम वेस्ट किया, यही मेहंदी लगा लेती। अरे देखो हम ना बचपन में बहुत करते थे ये, अभी देखो ये पत्ते हैं, अभी मैं मेहंदी लगाऊंगी। ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, रुको रुको नहीं, अरे रुको चुप रहो। वो छपा ना छपा, उंगलियां जरूर चपकी होंगी। वाह वाह वाह, चूल्हे के साइड में बैठ के चाय और पराठा। चलो जी बाय बाय टाटा, इधर टाटा बाय। चलो जी दो सब्जियां हो गई हमारी। तो रेस्टी गया है गाड़ी वाले रास्ते से और मैं जा रही हूँ अपने पुराने रास्ते से, ये बचपन वाला रास्ता। और मैं दूसरे मामा जी के घर आई हूँ सिर्फ और सिर्फ संतरे तोड़ने, और इनको लग रहा है मैं इनसे मिलने आई। अच्छा बात नहीं है। ये देखो इतने सारे संतरे संतरे संतरे, 5 खाएगी तो 500 पक्का। चैलेंज एक्सेप्टेड। लेडीज एंड जेंटलमैन आर यू रेडी? गड़प लगा हुआ था 500 रुपए। डैडी 2 खा चुकी है, ओ और ये चौथा। सुबह के 8 बजे विटामिन सी लिया जा रहा है भरपूर मात्रा में, और ये लास्ट संतरा खा। चल निकल ले निकल ले निकल ले। और अब बीटू को पुरस्कार दिया जाएगा। चैलेंज आपने दिया था। हाँ। मैं क्यों दूं पैसे? बात तो सही है। अरे आप चीफ गेस्ट हो ना, आप पुरस्कार दो। अरे ये तो 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया, 500 दो। एक और खिला दो। नहीं इनाम मिल गया, देखा भाई सबूत। ये कैसे भर ली पौधा ले जाए इससे अच्छा। वाह काफी गाड़ी मेहंदी चढ़ी। इसके दोस्तों ने पता नहीं क्या क्या बना दिया, केकड़े कीड़िया केकड़े। 2 किलो ही संतरे लेके जा रही हूँ सिर्फ मैं। बाय बीबी, बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।